अधूरे से चुपचाप बैठा है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों रे? अरे हम इन गांव वालों को इतना सताते हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं, उनकी छेड़छाड़ भी करते हैं। हाँ फिर? अरे अपने बर्ताव से वो चिढ़ते भी नहीं और उनका काम छोड़ते भी नहीं। एकदम सही बोला तूने। अरे हमने ईंट काम तोड़ा ये जान के भी हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगा था अपनी सारी हड्डियां तोड़ के गले में ही बांध देंगे। हाँ? पर वैसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बबनिया, अब मुझे लगता है कि अपनी सब गलती है। हाँ अरे जगने, अरे हमने गिराई हुई दीवार बांधते वक्त मंदा चाची गिरी ना, तो बहुत बुरा लगा। देख, चार दिन सोचते सोचते माता फूटने की बारी आई है। गांव में कोई भी हमसे ठीक तरह से बात नहीं करती। कल तक हमसे छुपके जाने वाली लड़कियां भी हमारी हंसी उड़ा रही है आज। बबनिया, एक बात आई है मेरे मन में, साथ देगा तू? क्या है? बबनिया, गुरु जी बहुत भले आदमी है। हाँ। हम उनसे अपने बर्ताव की माफी मांगेंगे और उन्हें हमें गांव के काम में शामिल करने की विनती करेंगे। बहुत अच्छा इरादा है, गुरु जी हमें जरूर माफ करेंगे। चल। हाँ। अपने सम्मान्य अतिथि और भाई बहनों, सब महिलाएं काम में व्यस्त होने की वजह से महिला मंडल का यह कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी गई है। आपने जो स्पर्धा देखी उसका निर्णय मैं अब जाहिर करने वाला हूं। सच कहूं तो सबकी तारीफ करनी चाहिए, हम तालियां बजा के उनकी तारीफ करेंगे। शोभा दीदी, आपको क्या लगता है, यानी कि सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा? मेरे ख्याल से जो पदार्थ मसालेदार है, स्वादिष्ट है और नया भी है, इससे ज्यादा वो पदार्थ कितना बलवर्धक है इसका महत्व ज्यादा होना चाहिए। पदार्थ स्वादिष्ट है, पौष्टिक है और देखने में आकर्षक है तो दूध में शक्कर। हर साल परीक्षा का निर्णय जाहिर करने का मेरा अनुभव ध्यान में रखकर शायद इस स्पर्धा का निर्णय भी जाहिर करने का काम मुझ पर सौंपा दिया गया है। वो निर्णय मैं जाहिर करता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज इस स्पर्धा के बहाने जो इनाम जाहिर किए गए हैं, वो इनाम हमारी मुख्य अतिथि अपने सेवाभावी संस्था की तरफ से दे रही है। उसके लिए और अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ उपस्थित रही, उसके लिए भी मैं आप सबकी तरफ से उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। निर्णय, सबसे पौष्टिक पदार्थ बनाने की स्पर्धा में प्रथम क्रमांक मिला है मंजुला बाई। दोस्तों, कभी कभी कुछ अजीब बात होती है। मंजुला बाई ने इस पाक स्पर्धा में हिस्सा लिया था, तब उन्हें लगा कि उनके पदार्थों को क्या इनाम मिलेगा, इसलिए वो घर चली गई।
तो अब आप सबको उन्हें यह खुशखबरी बतानी है। क्यूरी मंजुड़ा हो गया कि नहीं तेरा? हुआ मेरा, गजरा तो लगाने दे। अरे दैया कितना सज रही हो? तू क्या कम सजी है? चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, 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 आप देर मत करो। अरे जल्दी जाना चाहिए, वो लोग बार बार बुलाने आते हैं ना। चलो चलो जल्दी चलो। अरे सर के मार का इतना सजदे के कहाँ जा रही है? अरे क्या मालूम, देख पूछ कर। मंजुला चाची, आज बबुल को केले कैसे आ गए? मतलब? नहीं वो क्या है, त्योहार नहीं, शादी वादी भी नहीं, तो इतना सजदे के कहाँ जा रही हो? अरे मुझे उसे लगा दी ना नजर। अरे 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 तुझे नजर में कैसे लगाऊं, तू हमारी नजर में समाएगी क्या? तुझे नजर लगाने के लिए रावण के 20 आंखें भी कम पड़ेंगी। अरे निकम्मे, मैं क्या तुझे इतनी मोटी लगती हूँ? वो जाने दे, पर मैं कहता हूँ बैलों के त्योहार को बैल सजते ना, वैसे सिंगार खींच लिए। अरे तेरी तो क्या शर्मा रही है मंजुला चाची। अरे आज गणतंत्र दिन है ना? वो तो है, पर वो तेरा क्या काम है? तू क्या झंडा ले रहने वाली है क्या? ये जाके स्कूल के बच्चों के साथ झंडा ऊंचा रहे गाने वाली है। अरे हमें आज बख्शीश मिलने वाला है। बख्शीश? और वो किस लिए? पाक कला की स्पर्धा में मेरा पहला नंबर आया है। मतलब तू स्टेज पे जाके बख्शीश लेने वाली है? बोलना फिर क्या बात है। रुबाब है तेरा? रुबाब तो है ही, तुम यहाँ बैठो ताश खेलते, चलो री। तेरी तो बबना, हम लोग मरे दर्द हुए भी अपने को अंगूठा दिखा के स्टेज पे जाके बख्शीश लेगी, तू अपनी जिंदगानी पे। अरे वाह, थूकना मुंह पर क्यों थूकता है? फिर भी तुझे बोल रहा था स्पर्धा में भाग लेंगे, पर तुझे तो नहीं होता चाहिए ना। अरे तेरी तो अपनी गलती हुई तो? देख कैसे दकड़ी दिखा रही है वो। आइए आइए सरपंच साहब आइए, देखिए पूरा गांव इकट्ठा है। बच्चों ने रास्ते का काम पूरा किया, ये देखकर बड़ों ने भी काम शुरू कर दिया। अरे अरबा, कल रात सब लोग आए थे मेरे पास। अच्छा क्या कह रहे थे? अरे क्या कहेंगे, दूसरे गांव के पढ़े लिखे लड़के अपने गांव के लिए परिश्रम कर रहे हैं और ये सब देख के सबको शर्म आ गई है। मैंने कहा अब तक देरी हुई नहीं है, कल आखिरी दिन है, सब लोग काम पे आ जाओ। बराबर, फिर अब से अपने गांव के बचे हुए काम अपने गांव वाले ही करेंगे। इसकी उन लड़कों को भी गारंटी मिलेगी। ये देखो गुरुजी भी आ गए, वो भी देखल। हाँ शंकर भी था। हाँ अरबा, अब गांव वालों को समझ में आ ही गया। वाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे यास्मीन, नंदा, शंकर ये अपने बच्चे तो राष्ट्रीय सेवा योजना के लड़कों के साथ आएंगे और पहले से ही गांव वाले काम कर रहे देख के खुश होंगे। राम राम गुरुजी, राम राम सरपंच। अरे वाह कोंडी बा, तू भी काम कर रहा है तो फिर। वाह, अब कोई भी पीछे नहीं रहेगा। चलो हम वहाँ चले। अरे शंकर कमाल ही हो गया, मेरा तो मेरे आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे पर चाचा क्या हुआ ये बताओगे या नहीं? पानी को आग लग गई। अरे पानी को कभी आग लगती है क्या? तकरारवाड़ी के गांव वाले कभी श्रमदान करेंगे क्या? नहीं, वही कह रहा हूँ मैं। अरे हमसे पहले सब गांव वाले वहाँ काम पे गए हैं। यानी कमाल ही हो गया चाचा। अरे ये कमाल तो कुछ भी नहीं, ऊपर से और क्या कह रहे थे मालूम है? इसके आगे उन लड़कों को हम काम ही नहीं करने देंगे, हमारा काम हम खुद करेंगे। यानी चाचा गांव वालों ने बाजी मार दिया ना। चलो गांव वालों ने काम शुरू किया, इसकी हम खुशी मनाएंगे। चलो चलो। कोकिला कहती है कुकू कुकू, भीमा कहता है लिखू लिखू। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज हम शब्दों को जोड़ने का खेल खेलेंगे। मैं एक वाक्य बताऊंगा, आगे का वाक्य तुम जोड़ दोगे। मोर कहता है नाचो नाचो, हरबा कहता है बाचो बाचो। खेत कहता है फलो फूलो, अप्पा कहता है फलो डुलो। बिल्ली कहती है मियाओ मियाओ, नाना कहता है स्कूल में जाओ। घोड़ा कहता है जाऊं कहां, र
रामा कहता है स्कूल है वाह। तोता करता है बातें मीठी, साक्षर तंवर को नहीं चाहिए छुट्टी। मौसी तुलसी अब अच्छी बढ़ गई है तुम्हारी? हाँ, क्या बढ़ गई है, ठीक लगती है। आपके हाथ का पानी मिलता है ना रोज उसे? वो तो रोज मिलता है। वैसे भी मौसी तुम्हारे हाथ का खाना खाया ना तो किसी की भी तबीयत अच्छी होगी। अरे वाह, मेरी बेटी क्या मोटी हुई ऐसा लगता है तुझे? अरे इतना काम करती है कि भागदौड़ से पतली होने लगी है वो। अब कहाँ, डॉक्टर के पास गई है क्या वो? इतना घुमा फिरा के क्यों, सीधे सीधे पूछना नंदा किधर है वो। नहीं मौसी वैसा नहीं, अब तो आपने ही कहा था ना इसलिए मैंने पूछा, चिंता हुई। अरे वाह, अब मेरे साथ बैठ के चार बातें करोगे तो क्या तुझे तकलीफ होगी? मौसी अब तो आप ये कुछ भी बातें कर रही हैं। पर क्यों मौसी, ये इतनी सारी सब्जियां, इन सब का कुर्मा बनाने का सोचा है क्या? नहीं रे बाबा, अरे ये सब काट के सब एक साथ कच्चा ही खाना है। अरे नंदा के शास्त्र के बारे में पूछो मत, कौन से पदार्थ में कौन सा जीवन सत्व है, कौन से पदार्थ में कौन सा प्रथिन है और कौन सा पदार्थ कम खाने की वजह से क्या बीमारी होती है, वो मुझे भी सब मालूम है। मौसी इसीलिए आपको डॉक्टर दवा कुछ लगता नहीं। अरे ये सब नंदा की कृपा ही है। ये क्या, मेरी कैसी कृपा? आ गई रानी साहब। क्यों माँ, हुआ सब? अरे हाँ हाँ, आते आते ही शुरू हो गई तुम। अब तूने ही कहा इसलिए ठीक हुआ, हमेशा घर से बाहर रहती है, अब तू ही समझा इसे कुछ। अरे ये क्या बताएगा, इसी ने तो टाइम टेबल बना के दिया है मुझे। अब ये ठीक है क्या, खुद का संकट दूसरे पे क्यों लाद देती हो तुम? अरे वाह, गांव के विकास का व्रत किसने लिया है? अरे पर इसके लिए कोई घर बार भूल जाता है क्या? अरे कॉलेज महिला मंडल का काम करना है तो ये सब होगा ही, और उसमें तेरे इतने सारे कार्यक्रम। मैं खाना बनाती हूँ, तब तक कच्चा ही खा लो। अच्छा, अरे तू भी यही खाना खाएगा क्या? तो फिर मुझे तेरी इजाजत की जरूरत है क्या? राम राम, राम राम। अरे जगन राव, भवन राव, आज इतने दोपहर में कैसे? अजी हम इतनी दोपहर में काम के लिए आएंगे, इतनी कहाँ इज्जत रह गई हमारी। क्यों रे ऐसा क्यों बोलते हो? देखिए गुरुजी, हमारा सत्कार करके हमें लज्जित कर दिया ना आपने। हमारी गलती हम जान गए, इसलिए ज्यादा काम करके उसका हिसाब चुका रहे थे। अरे पर क्या चमत्कार हुआ देखा ना, दिन भर के काम के औसत में तुम्हारा पहला नंबर आया, अब तुम्हें लज्जित करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अरे तुम्हारे जैसे युवकों का सत्कार यानी अपने गांव का भविष्य तुम्हारे जैसे युवकों के हाथों से उज्जवल बनाना, ऐसा ही हुआ ना। राम राम गुरु जी। राम राम। ये दोनों की जोड़ी भी है क्या यहाँ? अरबा तू किस लिए आया? किस लिए का मतलब गुरु जी? गुरु जी आज हमें महिला मंडल में जाना है ना। हाँ अरे मैं कब से तैयार हूँ। ये तो आश्चर्य हुआ, क्यों तुम्हारे और महिला मंडल में क्या काम? अरे ऐसा क्यों कहता है, आज महिला मंडल में स्पर्धा है ना। वहाँ मुझे और गुरु जी को न्योता दिया है। हम भी आए क्या? आओ ना। अरे मैदान में गला पाड़ने को क्यों चाहिए सरपंच की अनुमति? वैसा नहीं है हरवा, महिला मंडल में पुरुषों को स्थान नहीं है, अब हमें न्योता मिला इसलिए हम जा रहे हैं। गुरु जी चलिए, अब हमें चलना चाहिए। हाँ। चलो चलो फिर देर हो जाएगी, चलो। उसकी तो बबनिया, हम लोग नहीं जा सकते। अब क्या करेंगे जगनिया? चल कुछ तो दिमाग लड़ाएंगे, चल। समस्त बहनों, इस साल जैसी संक्रांत मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं। हर साल संक्रांत किस पर बैठी है, किस जगह देख रही है, इससे किस पर संक्रांत आने वाली है वो समझता है, कौन सी चीजें महंगी होने वाली है वगैरह लोग बोलते हैं। मुझे यकीन है कि इस साल की संक्रांत शेरनी पर बैठ के आने वाली है। शिक्षा ये शेरनी का दूध है ऐसा कहते हैं। वो अज्ञान के अंधकार की तरफ गुस्से से देख रही है। इसका मतलब अज्ञान और निरक्षरता, इनका सर्वनाश होने वाला है।
सच है गुरुजी, सच है। अरे क्या रे, क्या जगने है, मुझे देखने देना रे, क्या रे? तेरी तो मैं जान निकलने पर बैद ऐसे होता है तेरा। अब क्या देखेगा, कार्यक्रम खत्म हो गया, पहले देखना चाहिए था ना। चलो अभी क्या आदमी। सुनो जरा, सब सुनिए, यहाँ आइए, हाँ यहाँ यहाँ ऐसे खड़े रहिए। हाँ तो अब हमने अपनी सेहत के बारे में जो कुछ देखा उससे हम अपनी सेहत के लिए क्या कर सकते हैं ये आप समझ ही गए होंगे, बराबर है? पिछले 3 दिनों से हमने अलग अलग कार्यक्रम देखे, उसमें हमने सेहत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको बताई थी, पर फिर भी भूल जाने की वजह से अगर आपको एक आध बात याद नहीं रही तो प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातें तो हम भी समझा देंगे मगर महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। अपने महिला मंडल की तरफ से हम डॉक्टर को लाते हैं ना, उनसे पूछना, बराबर है? समझे आप सब? चलो फिर अब दूसरा कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करेंगे, हाँ, और वक्त पे दूसरे कार्यक्रम पर हाजिर होना। चलो तो अब हमारा ये साक्षरता का वर्ग हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि अपना नाटक तो कल ही है तो हम उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा अच्छा चलो। क्यों रे पारू भाई, कमला भाई, मेरी बहू को देखा क्या? अजी अब आओ ना अंदर और देखो है क्या। अरे 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 पारू भाई, रखमा भाई, अरे तुम जैसी बड़ी बूढ़ी औरतें यहाँ पर हैं? अरे लड़कियों ने अपनी अकल गिरवी रखी तो रखी, पर तुम्हें भी कुछ समझता है कि नहीं? अब आप हमें भी कोसने लगी क्या? अरे क्या हुआ ये तो बताओ ना। अरे मेरी बहू को देखा क्या तुमने? अरे देखो ना अंदर, होगी यही, कहाँ भाग जाएगी? हाँ? अरे सब घर दर वैसे ही छोड़ के तू यहाँ पर आके बैठी है, क्या बोलेंगे तेरे इस बर्ताव को? घर का सब काम करके आई हूँ माँ जी। हाँ ऊपर से जबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती तुझे? बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है? अरे क्यों इतना गुस्सा निकल रहे हो बेचारी पर? वहाँ महिला मंडल का कितना बड़ा कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुई तो क्या बुरा हुआ? घर का खाके दूसरों का काम क्यों करना, किसने कहा था? अरे ऐसा कैसा कहती हो, स्कूल में जाके जो सीखने को मिलता है वो इस डॉक्टर ने सिखाया यहाँ। अरे गरीब को ही फायदा होगा इसका, अपनी स्वच्छता, अपनी तबीयत, और तो और खाना पीना कैसा होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यही तो सिखाया। अरे पूरे जिंदगी में जो नहीं समझेगा वो एक दिन में समझा, अपना घर, अपना पूरा घर सुखी कैसे होगा, निरोगी कैसे होगा, ये पढ़ाने का कार्यक्रम था। देखो तुम सब जन मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करो, हाँ नहीं तो गांव की सारी सासों को इकट्ठा करूंगी। करो करो, मैं भी एक दिन सास बनूंगी।